बाड़मेर जैसलमेर से निवर्तमान सांसद कर्नल सोनाराम ने कांग्रेस में जाने की अटकलों पर अब विराम लगा दिया। जी हाल ही में कर्नल सोनाराम ने एक बयान में कहा कि वे राष्ट्रहित के लिए भाजपा में ही रहेंगे। इस बयान के बाद कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन ने सोनाराम को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कर्नल सोनाराम अगर कांग्रेस में आते तो हमारे लिए दुर्भाग्य होता। लोग अच्छे दिनों की बात करते हैं, लेकिन कर्नल सोनाराम कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो हमारे बुरे दिन आना शुरू हो जाएगा। जैन ने यह भी कहा कि हमने बड़ी मुश्किल से सोनाराम को कांग्रेस से बाहर निकाला था। ये फिल्म स्टारों को ला रही है तो इसका मतलब है कि अपने आप में कमजोर है। ये सीधी पड़ी है, उनको नेताओं पर भरोसा नहीं। मोदी जी आ गए और बाकी अब आज वो पूर्व थल सेनाध्यक्ष वी के सिंह भी आ रहे हैं, हेमा मालिनी, पता नहीं किन सबको ला रहे हैं। इसका मतलब वो अपने आप में कमजोर है, इसमें कोई दोरा नहीं। हमारे तो कोई पहले मुख्यमंत्री वगैरह आ गए, अब हमें आवश्यकता नहीं है कोई रोड शो या कोई बाहर से कोई नेता बुलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम मजबूत हैं। बाड़मेर की शहर की जनता मजबूत है, बाड़मेर पूरी लोकसभा के लोग एक साथ मनोहर सिंह के साथ और कांग्रेस के साथ खड़े हैं और हम तो जीत